मैं पहले कहता था उनको, मुझे तो उन्होंने बहुत पहले कहा था कि शेख रशीद मैं इस खातून पे खा चला जाऊंगा। राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे। इस मुल्क में दो कानून, एक ताकतवर कीजिए और एक कमजोर कीजिए। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियाँ देते हैं, वापस धमकियाँ दो इनको। आप कहते हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए। आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने आज बेलाखिर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने गैर मशरूत माफी मांग ली और अदालत ने भी इसको तसल्ली बख्श करार दे दिया। कम अज कम एक तो मसला हल हुआ, लेकिन चकवाल वाले जलसे में दी गई धमकियों का पस मंजर अभी मौजूद है। इमरान खान को आज इस केस में तो माफी मांगना पड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आज एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से पीटीआई के अराकीन कौमी असेंबली के मरहलावार इस्तीफे मंजूर करने को अपहोल्ड कर दिया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। तो क्या पीटीआई के अराकीन असेंबली ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हदायत या ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वापस आएंगे, अपना किरदार अदा करेंगे? साथ साथ इमरान खान ने चकवाल के जलसे में नामालूम नंबरों से मिलने वाली धमकियों के जवाब में धमकियां देने की बात की थी, लेकिन आज तो शेख रशीद अहमद ने मालूम नंबरों से आने वाली धमकियों के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। अब वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब उन नंबरों को ट्रेस करके धमकी देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये कानूनी रास्ता है। हम मुल्क की सूरत हाल पर बात करेंगे। इंतहाई मुअज़्ज़ मेहमान दो मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे रूबरू हैं। जनाब चौधरी कमर जमान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, वजीर आजम के मुशीर हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। और नाजरीन, हमारे रूबरू हैं सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब, पीटीआई के मरकजी रहनुमा हैं और चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून और इंसाफ हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त दिया। कायरा साहब, आज साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली, अदालत ने भी इसको तसल्ली बख्श करार दे दिया। ये अच्छा जमहूरी जेस्चर है, जमहूरी रवैया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके खान साहब ने माफी मांगी। अब अगर पहले दिन उन्हें अपने किए पे नदामत होती और उसके लिए वो यही रास्ता इख्तियार कर लेते जो उस वक्त अदालत ने कहा भी था, जी पहली पेशी, तो ये मामला यहाँ तक पहुँचता ही ना। अब तो क्योंकि फर्द जुर्म लगने के बाद, जो फर्द जुर्म का दिन तय होने के बाद ये फंसता है, उन्हें पता चल गया था कि अब अदालत भी इस मामले में बेबस होगी। फर्द जुर्म लग गई तो फिर मेरे लिए माफी मांगना जो है वो क्या उसके माने होंगे। लिहाजा उन्होंने अपने आप को उस सजा से बचाना चाहा है। ये कोई विलफुल नहीं है, ये उन्होंने जब मजबूरी के तहत उन्होंने ये फैसला किया है, लेकिन अब इसके ऊपर अदालत पे है। अदालत ने जिस तरह उनकी तारीफें फरमाई हैं, अदालत तो है ना, उनका हक है, लेकिन ये बात मैं अदलिया से जरूर कहूंगा बड़े अदब एहतराम से कि अदालतों को फैसले देते हुए ये जरूर देखना चाहिए कि उन्होंने माजी में भी कुछ ऐसे केसेस में फैसले दिए हुए हैं और उन फैसलों का क्या सूरत हाल थी। अगर उससे बिल्कुल ही मुतसादम फैसले दे दिए जाएं तो फिर चेमगोइयां भी होती है, हार्ड बर्निंग भी होती है, लोग बातें भी करते हैं। और अदालत का एहतराम बेहतरीन वो होता है जिस अदालत कानून के जबर के बजाय, ताकत की बजाय अपने फैसलों और अपनी न्यूट्रलिटी से अपना एहतराम कराए, वो ज्यादा ताकतवर एहतराम होता है, बड़ा एहतराम। बैरिस्टर साहब, आज शेख रशीद अहमद ने भी एक बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने शेख रशीद अहमद से पहले दिन ही ये बात की थी कि मैं जस्टिस जेबा साहिबा के पास जाकर उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। फिर क्यों नहीं गए? किसने मना किया उनको? उसी दिन माफी मांग लेते। आज फर्द जुर्म आयद होने के बाद या वो दिन तय होने के बाद उन्होंने माफी मांगी। ये देखें, जहां तक अदालत से माफी मांगने का ताल्लुक है कंटेम्प्ट के मामले में, एक तौहीन अदालत के मामले में, मैं तो पहले दिन ही से ये कह रहा हूं और हर प्रोग्राम पे भी कहा, और जिस दिन ये शुरू हुआ था मामला उसी दिन कहा था कि अदालतें जो हैं वो एक माँ बाप की जगह होते हैं। अगर आपसे गलती हो या ना हो, अगर आप माफी मांग लें तो उससे आपका कद बड़ा होता है और अदालत का तो एहतराम बढ़ता ही है। इसलिए कोई माफी मांगने में किसी किस्म की देर नहीं करनी चाहिए और हमेशा तैयार होना चाहिए। आपको सर आपसे बैरिस्टर साहब, आपसे इसी रवैये की, इसी मैच्योरिटी की तवक्को है जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन चूंकि आप उनकी लीगल टीम में हैं, डिस्कशन हुई होगी माफी मांगे ना मांगे इनिशियल स्टेज पे। मैं शेख रशीद अहमद की बात को आपके सामने रख रहा हूं। अगर इमरान खान का दिल था शुरू दिन से ही कि जाके माफी मांगते, फिर मना क्यों किया? किसकी वजह से वो नहीं गए, क्यों नहीं गए? रादर जी देखें, जब एक केस का मामला हो तो फिर यकीनी तौर पे आप अपने वुकला से जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे आप यकीनी तौर पे मुशावरत करते हैं। मुझे भी ये तो नहीं पता जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जहां तक इमरान खान साहब ने मेरे से बात की थी उनको कोई इशू नहीं था माफी मांगने में। जो उनको वो चाहते थे पिछली बार भी कि अदालत के सामने पेश हों और पेश होकर यही कहें। वो हुआ ये कि पिछली बार अदालत ने शायद मौका नहीं मिल सका कि वो जाके ये बात कह सकें और उनके वकील बहस करते रहे। इस बार आपने देखा कि उन्होंने वकील को बहस करने नहीं दी, बल्कि खुद ही जाके पहले अपनी स्टेटमेंट भी दे दी तो माफी मांगी। वो तैयार थे पिछली बार भी, लेकिन जिस तरह उन्होंने आज भी फरमाया कि वो शायद पिछली बार मौका नहीं मिल सका था। अब जहां तक ताल्लुक है कंटेम्प्ट का, इसको भी जरा आप ख्याल रखें कि कंटेम्प्ट, अभी कायरा साहब ने कहा कि कंटेम्प्ट के एक केस में फैसला एक तरफ आ रहा है, दूसरे केस में फैसला, यानी वो तो इशारा कर रहे हैं ना दानियाल अजीज की तरफ, तलाल चौधरी की तरफ, नेहल आश्मी की तरफ, सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरफ। जी, तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं उसके बारे में कि जो कंटेम्प्ट का कानून है वो जब भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो तो उसमें एक थर्ड पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ अदालत और जिसके खिलाफ इल्जाम है उसके दरमियान मामला होता है और अदालत खुद ही देखती है कि कौन शख्स किस हद तक चला गया है और क्या गलती थी। और गलती में जो जिस तरह वो लैंग्वेज में, जिस जुबान में वो अपॉलॉजी कर रहे हैं, वो क्या जुबान दुरुस्त है, क्या वो बाकी उनकी इंटेंशन है, उनकी मीनिंग है, वो ये समझते हैं कि मैंने गलती की और वो जेन्युइनली अपॉलोजाइज कर रहे हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद अदालत फैसला करती है। इसलिए एक केस को दूसरे केस से कंपेयर करना भी मेरी नजर में दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन बहरहाल इसमें जरूर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कंटेम्प्ट के कानून में, और कंटेम्प्ट के कानून में कोशिश अदालत हमेशा ये करती है। एक चीज तो बड़ी वाजे है और मैंने भी नोटिस किया है, मैं बहुत सारे कंटेम्प्ट के केसेस में पेश हुआ हूं, मैंने ये देखा है कि अदालत हमेशा ये कोशिश करती है कि मामला आगे ना जाए, एक शख्स अपॉलोजाइज कर दे ताकि अदालत का वकार। सो आप भी फरमा रहे हैं कि एप्लीकेशन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यही कायरा साहब कह रहे थे। छोटी सी गुजारिश, एक छोटी सी गुजारिश। एक तो ये है कि खान साहब को अगर अपने कहे पे खुद नदामत का एहसास था या है, चले शक का फायदा देना चाहिए, अगर उनको है तो उस अपनी तकरीर में उसी लफ्जों में, उसी लाइन में उन्होंने दो सरकार के और मुलाजमों को, वो जरा दूसरे महकमे के थे, ये भी मुलाजिम है, ये जांच आईजी पुलिस और डीआईजी, वो डीआईजी और आईजी भी सरकार के मुलाजिम है, उनको भी धमकियां दी थी। अगर वाकई उनको ये एहसास था तो फिर आज उनको चाहिए था कि वो कहते मैं उनसे भी माफी मांग लेता हूँ, वो भी सरकार के मुलाजिम हैं, वो कोई किसी फर्द के मुलाजिम तो नहीं है, उनको भी धमकियां दी थी, चले उनकी मर्जी है। लेकिन जो मैंने कहा, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अदालत का और कंटेम्प्ट का इशू होता है, मैं तो सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ। अदालतों के अंदर होने वाले फैसले बहरहाल डिबेट होते हैं, लोग उस पर अपनी राय देते हैं, और मैंने ये भी अर्ज किया कि अदालत का एहतराम अगर इस डर के तहत हो कि अदालत मुझे कंटेम्प्ट में बुला लेगी तो फिर वो बड़ा एहतराम नहीं है। एहतराम लेकिन कारा साहब, इसी नुक्ते पे जो डर की आप बार बार बात कर रहे हैं, मसलन इमरान खान की हुकूमत चली गई, नो कॉन्फिडेंस हुआ, वो अपोजिशन लीडर भी नहीं बने, असेंबली से बाहर आ गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि उनके इस्तीफे मरहलावार ही कबूल होंगे। वो कासिम सूरी वाले जो फैसले यकमुश्त मंजूर हुए थे वो अप्रूव नहीं किया। फिर इमरान खान की पंजाब में हुकूमत बनी, अब वो खबरें हैं कि आप लोग वो भी टॉपल करना चाह रहे हैं। 26 बंदे उनके पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नहीं आए थे, फिर इमरान खान को अपने लोगों को कहना पड़ता है कि मुझे भाई पास मत करो। तो इमरान खान के पास अब लूज करने के लिए क्या बचा है? जो डर के मारे वो आएंगे उधर। राजा साहब, सियासत से रास्ता बंद हो जाए ये कोई छोटा सा नुकसान है? खान साहब तो बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ, अभी उनके ख्यालात हैं। ये आपने क्या कह दिया कि वो सारा कुछ गवा बैठे? ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं कतई ऐसी बात ना करता हूं, ना करना चाहता हूं। मुझे हर बंदे का अपना एक एहतराम है, लेकिन गुजारिश ये है कि अदालतों के फैसले, इससे पहले बाकी वज़ीर आज़म भी अदालतों में पेश होते रहे। यूसुफ रजा गिलानी साहब भी पेश हुए, उससे पहले भी वज़ीर आज़म पेश हुए, उसके बाद भी हुए, अभी भी वज़ीर आज़म अदालत में पेश होते हैं अपने केसेस में। लेकिन जो अदालत का माहौल है या जिस तरह जज साहबान के कमेंट्स मीडिया में सुने हैं, ये बाकियों के हिस्से में नहीं आते। मेरा ख्याल है शायद जज साहबान को ये रवैया भी नहीं अपनाना चाहिए, उनको अपनी न्यूट्रलिटी ही रखनी चाहिए किसी एक के साथ, क्योंकि वो वहां एक्यूज के तौर पर गए होते हैं। किसी भी केस में हो, दोनों काबिल सजा जराइम होते हैं, और किसी एक के साथ यूं लगे कि आप बड़ी वजादारी और बड़ी तारीफें कर रहे हैं और दूसरे के साथ आपका रवैया बड़ा तनाव का शिकार हो, तो ये भी मुनासिब नहीं है। बैरिस्टर साहब, बिल्कुल स्ट्रिक्ट कानूनी और आईनी राय। अब आपके ख्याल में जब अदालत ने रिटर्न कह दिया, तसल्ली बख्श करार दे दिया, तो अब ये मामला खत्म हो गया? जब एफिडेविट दे दिया जाएगा 29-30 तक और 3 को जब दोबारा ये केस आएगा, तो हम ये समझें, अस्यूम करें या परस्यूम करें कि दिस इशू इज ओवर नाउ? जी, यकीनी तौर पे मेरी नजर में ये इशू अब खत्म हो गया है। मैंने अदालत का फैसला पढ़ा है। अदालत ने वो जो बयान दिया था इमरान खान साहब ने, उसको रिकॉर्ड किया है और उसके बाद ये कहा है कि ये हम प्राइमा फेशा जो ये जो बयान दिया है, ये जो पॉलिसी है, ये हमें एक्सेप्टेबल है। अब इसको तहरीरी तौर पे आप 29 सितंबर तक पेश कर दें। जी। तो हम फिर उसका फैसला करेंगे। तो यकीनी तौर पे इसका मतलब ये हुआ कि जो बात कही गई वो अगर राइटिंग में आ जाए तो इस मामले को उधर फिर खत्म कर दिया जाएगा, ये आप हकीकी तौर पे कह सकते हैं। इधर रुकिएगा नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे। बैरिस्टर साहब, मैं एक सवाल छोड़ता हूं। चकवाल के जलसे में इमरान खान ने कहा था कि मैं अपनी तहरीक शुरू करने वाला हूं, फिर बाद में उन्होंने कहा कि हफ्ते के रोज हमारी तहरीक शुरू हो जाएगी। क्या अब हम समझें कि हफ्ता तो परसों है, परसों से फुल फ्लैज्ड तहरीक शुरू हो जाएगी? और आज उन्होंने अपने वर्कर से एड्रेस करते हुए कहा है कि हम पूरी तैयारी से आएंगे, राना सनाउल्लाह साहब देखेंगे आप क्या करते हैं। क्या वाकई अब तहरीक आ गई? ब्रेक के बाद नाजरीन बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब, चौधरी कमर जमान कारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, अब वाकई जो हफ्ते वाले दिन की उन्होंने बात की थी, मैं समझूं ये अभी जो हफ्ते वाला दिन है उसमें तहरीक आ जाएगी इस्लामाबाद? इमरान खान आज भी कह गए वर्कर्स कन्वेंशन में कि हमारी पूरी तैयारी के साथ हम आ रहे हैं, और राना सनाउल्लाह साहब को एड्रेस करके कहा कि अब आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तहरीक वही लॉन्ग मार्च है या ये कुछ और है? ये देखें, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो इरादा काफी पहले उन्होंने कह दिया था कि हम फेजेस में अब इस पे आएंगे। आपने देखा कि जलसों का फेज था, वो जलसों का फेज अब गुजर गया है। उसमें हर शहर में जलसे भी किए हैं, हर जगह मुख्तलिफ तंजीमों को मुख्तलिफ फोरम्स पे लॉयर्स हो जाएं, वर्कर्स हो जाएं, फार्मर्स हो जाएं, हर एक को उन्होंने उनको उनके सामने इस्तदा की है। कल जो वकिला की कन्वेंशन थी उस पर भी उन्होंने जिक्र किया था कि अब हम फेज टू में जाने लगे हैं और ये जो हमारी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं उसमें भी मादरत के साथ मैं सिर्फ ये आपसे रादर क्लैरिफिकेशन ले रहा हूं कि जो हफ्ते वाला उन्होंने कहा था वो हफ्ते मीन सैटरडे या हफ्ते मीन अ वीक, यानी वही लॉन्ग मार्च होगा। मोड क्या है उस तहरीक का जो अब एक हफ्ते की बात वो कर रहे हैं? जी देखें, वो इसको जो एग्जैक्ट उसकी डिटेल्स हैं वो तो इमरान खान साहब खुद ही डिस्क्लोज करेंगे कि इस फेज टू का क्या मतलब है, ये क्या लॉन्ग मार्च होगी, ये शटर डाउन होगा, ये स्टॉप वर्क होगा, ये क्या फेज होगा या कॉम्बिनेशन होगी उन सारी चीजों की, ये तो वो ही बताएंगे जब अनाउंस करेंगे। लेकिन सर्टेनली आप इस बात का तो मैं वाज़े तौर पे कह दूंगा कि अब फेज टू होगा, ये फेज वन की तरह नहीं होगा। कारा साहब, इमरान खान ने आज कह दिया कि राना सनाउल्लाह आप छुप नहीं सकते, फेज टू शुरू हो गया, कैसे हैंडल करेगी गवर्नमेंट? वही 25 मई वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा जिसमें राना सनाउल्लाह परसों भी कह रहे थे कि जी हम आपको धूनी देंगे पूरी। प्रोफेसर, बात यह है कि सियासत के अंदर तल्ख लहजे माजी में भी रहे, लेकिन खान साहब ने तो जरा उनको बहुत रूज दिया उनकी जमात में आके। इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने भी तल्ख बातें की हैं, लेकिन उन्होंने इनके सवालों या इनके लहजों या इनके आर्गूमेंट के जवाब में बातें कही हैं, खुद अपने तौर पर उनको धमकी दे के बात नहीं की। दूसरी गुजारिश यह है कि खान साहब का ये हक है वो आए, लेकिन जो वो जलसों में ऐलान कर रहे हैं, जो वो अभी तक अपनी तैयारियों में कन्वेंशंस में उन्होंने ऐलान किए हैं, मीडिया में उन्होंने ऐलानात किए हैं, प्रेस टॉक्स में कहा है, वो ये है कि हम चारों तरफ से आएंगे, इस्लामाबाद का मुहासरा कर लेंगे, बंद कर देंगे जिंदगी इस्लामाबाद की, और हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक इस हुकूमत को उठा के बाहर नहीं फेंक देते। कुछ लोग तो खैर इससे भी बियॉन्ड चले गए कि हम जाके कब्जा कर लेंगे, इन हुक्मरानों को उठा के फेंक देंगे। चले जरा जोर बयान भी होता है, लेकिन संजीदगी के साथ ये बातें कही गई कि हम मुहासरा करेंगे, हम शहर को बंद कर देंगे। तो जमहूरियत में अब इसकी गुंजाइश नहीं है। जमहूरी तरीका जो है वो ये है कि आप पब्लिक ओपिनियन अपना बनाएं, पब्लिक प्रेशर के नतीजे में अगर वोट आपके हक में आ जाता है पार्लियामान के अंदर से, जिस तरह हमने हुकूमत की, वो भी हुकूमत तब्दील कर ले। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो फिर खान साहब को ये याद रखना चाहिए कि आप जमहूरियत के अंदर महासरे करके, ये दौर गया कि जिसने दिल्ली का महासरा किया, दिल्ली पे झंडा शहर फतह किया, झंडा लगाया, बर सगीर का हुक्मरान ठहर गया। इस्लामाबाद में आके महासरा करके वो कब्जा नहीं कर सकते, न उसकी इजाजत है, न उनको ये इजाजत दी जा सकती है। वो वैसे ही हर साहब चारों तरफ देखे ना, चारों तरफ इस्लामाबाद के उनकी हुकूमत है, पिंडी उनकी हकूमत, इधर टैक्सला से आगे उनकी हकूमत, मरगला के पीछे उनकी हकूमत, इधर आज़ाद कश्मीर, उधर जीबी, उधर खैबर पख्तूनख्वा, उधर पंजाब। महासरा तो ऑलरेडी आपकी हकूमत का हो चुका है ना। प्राचा साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि एहतजाज उनका हक है, लेकिन अगर वो इस्लामाबाद का महासरा करना चाहते हैं, जिस तरह आप फरमा रहे हैं उस मुहासरे की क्या फरमा रहा है, मुझे जो नजर आ रहा है मैं वो कह रहा हूँ। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, इसी तरह वो भी इसी तरह कह रहे हैं। जी जी, ये मुहासरा हो गया ना। जी जी, ये तो हमला हो गया ना। तो ना हमला की इजाजत दी जा सकती है, ना मुहासरे की इजाजत दी जा सकती है। उसके लिए कानून अपना रास्ता लेगा, इदारे अपना काम करेंगे, हुकूमत अपना फैसला करेगी। और अगर खान साहब ये समझते हैं कि वो आगे इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके बैठ के, तो वो बादशाह है, वो चाहे तो अपनी बादशाहत का ऐलान कर दे, क्योंकि उनका गुमान ये है कि लोग मेरे साथ हैं और किसी के साथ है ही नहीं। वो कहते हैं 22 करोड़ का नुमाइंदा ही मैं हूँ, तो जो बाकी जमातों को वोट मिले हैं वो हिंदुस्तान वालों ने और अफगानिस्तान वालों ने दिए शायद। बैरिस्टर साहब, चकवाल में उन्होंने तकरीर की, बड़े गुस्से में थी, फिर फवाद चौधरी साहब जो काइंड ऑफ स्पोक्समैन है आपकी पार्टी के, सीनियर नायब सदर हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि नहीं नहीं हमारे फौज के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर दूसरे दिन ट्वीट किया कि इदारों को मिलकर काम करना चाहिए। अब ये वाली सोच एक साइड पे, धमकियां दूसरी साइड पे, राना सनाउल्लाह को कहना कि छुप नहीं सकोगे, हम आ रहे हैं, आप भी फरमा रहे हैं पूरी तैयारी करके, तो वाकई इस्लामाबाद का घेराव करेंगे, मुहासरा करेंगे, ना कोई निकल सकेगा। अब तो वो दिल्ली वाले दरवाजे भी नहीं है जो फसील बनी हुई हो, इस्लामाबाद तो ओपन है। जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, जो कुछ होगा आईन और कानून के मुताबिक होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। बल्कि पिछली बार आपने देखा था कि हुकूमत उस वक्त हमारी नहीं थी, पंजाब से जो लोग आना चाह रहे थे पीसफुल प्रोटेस्ट, पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए इस्लामाबाद, उनको कितनी बेदर्दी से मारा गया था, किस तरह अरेस्ट हुए थे, क्या क्या केसेस बने थे लोगों के ऊपर। इसी तरह केपीके से जो आना चाह रहे थे उनके साथ क्या हुआ, सिंध से जो आना चाह रहे थे उनके साथ क्या हुआ। तो ये जो जमहूरियत के खिलाफ एक्शंस थे वो उस वक्त उन्होंने ले लिए। अब इस वक्त पोजीशन ये है कि जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया कि हुकूमत पंजाब की हमारी है, केपीके की हमारी है, तो हमें कोई रोक नहीं सकता पीसफुल पुरअमन प्रोटेस्ट से। अब लोग आएंगे, बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे, और जिसका कायरा साहब ने दुरुस्त फरमाया कि ये एक जमहूरी हक है हर एक का, इसको तब्दील कर देना फिर, और ये कहना कि हम आने नहीं देंगे, और हम जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए गए उनको हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो भी थ्रेट्स दे रहे हैं, जो भी कह रहे हैं हम नुकसान पहुंचाएंगे पुरअमन प्रोटेस्टर्स को, वो ये गैर जमहूरी हरकत है, और ये इस बार हम इसको नहीं। तो ये जो इमरान खान कहते हैं राना सनाउल्लाह आप छुप नहीं सकेंगे, ये जी 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 कारा साहब नहीं, 1 मिनट रुकिए जरा। जी जी सवाल ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जिन गुफ्तगुओं के जवाब में ये बात कर रहे हैं बैरिस्टर साहब, वो गुफ्तगू क्या है? आप बड़ी बाला गुफ्तगू करने वाले और माहिर कानून हैं, आप तो कानून के दायरे में रहने वाले हैं। आपके लीडर बशमूल बाकी आपके सेकंड ईयर लीडरशिप के, वो इस्लामाबाद पे हमला आवर होने, इस्लामाबाद का घेराव करने और इस्लामाबाद की जिंदगी मुअत्तल कर देने की बातें कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, तैयारियां करके आ रहे हैं। क्या इसकी कानून में इजाजत है? क्या हुकूमत खामोश रहे? क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है? जी बैरिस्टर साहब जी, मैं इसका जवाब बड़ा सिंपल देता हूं कि आप कोई प्रिज्यूम नहीं कर सकते। अगर किसी ने ऐसी बात की, कोई गैर आईनी बात की, तो फिर उसको उस वक्त डील किया जाता है। आप पहले से थ्रेट नहीं करते, हुकूमत में है, हुकूमत का काम है कि फैसिलिटेट करे, और प्रोटेस्ट नहीं है। जो मॉब को कंट्रोल करने का गुलिया है वो मुख्तलिफ है। मॉब इकट्ठा करके आप ले आए, खान साहब का तो रिकॉर्ड ही है, आपने कहा मैं F9 पार्क में जलसा करूंगा, आप डी चौक की तरफ चल पड़े, तो ये बहुत सारे रिकॉर्ड है माजी के। लेकिन जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी होती है उसने अदालत का केस नहीं लड़ना, उसने अपनी प्रजम्पशन के ऊपर, अपनी इतलात के ऊपर और आपके जमात की तरफ से दी गई धमकियों, बयानात और लीडरशिप की तरफ से उनकी बातों पे उन्होंने करते हुए या उनको छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं पराचा साहब जी प्लीज सर, कि जब हमारी हुकूमत थी तो मौलाना फजल रहमान साहब भी यही थ्रेट्स कर रहे थे, बिलावल साहब भी कह रहे थे मैं आऊंगा, हमने उनको वेलकम किया, हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं यहाँ तो बड़ा हंगामा हो जाएगा और इनको ना आने दें और इनको रोकें, क्योंकि ये इनका प्लान कुछ और है, ये तो गैर आईनी हरकतें करेंगे, ये तो ब्लॉक कर देंगे इस्लामाबाद को वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हमने वो बात नहीं मानी, हमने कहा देखें जब तक कोई हरकत नहीं, हम तैयारी रखेंगे जरूर, अगर कोई ऐसी बात हो उसको हम निपटने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन हम रुकावट नहीं पैदा करेंगे, हम ये अज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिक्टेटर्स का काम होता है कि वो पहले से प्रिज्यूम कर लें। छोटी सी वजाहत कर दूं, इसमें वो ये है कि हम जब आए थे तो हमारी जमात ने हुकूमत वक्त जो आपकी हुकूमत थी इंतजामिया के साथ बैठ के एक लाए अमल तय किया था। हम आके उस लाए अमल के मुताबिक अपना जुलूस लेके आए थे, एक पत्ता नहीं तोड़ा था, कोई कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आपकी जमात अगर इजाजत भी नहीं लेती, अगर कोई श्योरिटी भी नहीं देती और धमकी देती है कि हमने आके इस्लामाबाद चौक करना है और धमकी भी खान साहब दे रहे हैं, तो फिर हम क्या करें? राजा साहब और कायरा साहब, अभी देखें पिछले कुछ महीनों में कितने बड़े बड़े जलसे हुए हैं, हर शहर में जलसा हुआ है, कोई पत्ते को भी नुकसान पहुंचा है। आप देखें वो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है कोई नुकसान नहीं होता, अपनी प्रॉपर्टी को नहीं चाहती, इसलिए आप उम्मीद रखें, आप यकीन रखें और आप इस तरह की थ्रेट्स ना करें कि आप नहीं आने देंगे, आप बिल्कुल फैसिलिटेट करें जिस तरह आपने कहा। अच्छा बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर साहब मैं काफर करता हूँ, मैं बैरिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, बैरिस्टर साहब एक काम करें, जी आप अपनी जमात से उन्हें कहें कि वो इंतजामिया से आके बात करें, उनसे परमिशन लें, जहाँ बैठ के उन्होंने जलसा करना है, एक दिन बैठना है, एहतजाज करना है, तय करें, कोई नहीं रोकेगा। कायरा साहब एक मिनट दीजिएगा, मैं बैरिस्टर साहब थोड़ा सा डिबेट को और आगे बढ़ा लेता हूँ। सदर ममलिकत के साथ एक रिपोर्टेड मीटिंग हुई है। मैं पहले जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था कि कोई आज चूंकि माफी भी मांग ली, कुछ रेटरिक में कमी आएगी, कुछ फवाद चौधरी साहब वाला ट्वीट भी मैंने कहा कि हम मिलकर काम करना चाह रहे हैं, सबको मिलकर रादर काम करना चाहिए। सदर ममलिकत के साथ एक रिपोर्टेड मीटिंग हुई जिसमें कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान और जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आए थे, उसमें कुछ बर्फ पिघली या नहीं? जी सर, वो तो आप जिन्होंने मीटिंग की उनसे ही सवाल पूछ सकते हैं, मुझे चूंकि इल्म नहीं है तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं जनरली ये जरूर कहूंगा जी कि जो एक इंस्टीट्यूशंस हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें आपस में एक ही स्टेट के हम सारे हिस्से हैं, तो इंस्टीट्यूशंस में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ना होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस तो अपनी एक स्टेट के इंटरेस्ट में और मुफाद में जरूर काम करती रहेंगी, जो भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो। बैरिस्टर साहब इस मुलाकात का पूरे मुल्क में इस मुलाकात का जो सदर ममलिकत की मेजबानी में हुई, पूरे मुल्क में चर्चा है। चूंकि आप बड़े करीबी हैं इमरान खान साहब के, आप पे ट्रस्ट भी करते हैं, नो डाउट, कुछ तो शेयर किया होगा इस मीटिंग के बारे में। आप इस मीटिंग को कंफर्म करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, हुई है ये नहीं हुई, कुछ तो आप हमें बताएं। जी देखिए जी, जब तक तो अगर प्रेसिडेंट साहब कोई अपना रोल प्ले कर रहे हैं या करना चाहते हैं या उन्होंने किया है तो ये बड़ी खुशहाल बात होगी, वो मुल्क के प्रेसिडेंट हैं। जी। लेकिन ये कंफर्मेशन उनसे ही आ सकती है, इसको कोई और कंफर्म नहीं कर सकता या डिनाई नहीं कर सकता। अगर ये बात दुरुस्त है तो बड़ी अच्छी बात होगी, अगर लेकिन उसकी कंफर्मेशन आनी है उनसे ही, जिन्होंने फैसिलिटेट किया या जिन्होंने वो मीटिंग में जो अटेंड की। आगे पीछे जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है, लोग बात कर रहे होंगे, लेकिन कंफर्मेशन जब तक वहां से नहीं आएगी तो उसके ऊपर आई थिंक मैं तो डिबेट नहीं कर सकता। मैं सर ऑनेस्टली डिबेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ चूंकि एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रही है, चूंकि आप एक रिस्पांसिबल आदमी हैं, मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि हम जर्नलिस्ट या हम शहरी पाकिस्तान के, हम इस चीज से कोई उम्मीद रखें या इससे बढ़कर मीटिंग हुई भी है या नहीं हुई। जैसा मैंने कहा, मुझे इल्म चूंकि नहीं है तो मैं इसको डिनाई भी नहीं कर सकता और इसको एडमिट भी नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर अगर ऐसी कोई बात है तो मैं उसको वेलकम करूंगा। चलें, आप डिनाई भी नहीं कर रहे, आप इसको रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, लेकिन वेलकम कर रहे हैं अगर ऐसा होता है तो। नादरीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, थोड़ा सा टाइम रह गया है, हम अपनी इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्पेशली बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो चकवाल जलसे के पस मंजर की बातें हुई या जो एक अहम तैनाती के हवाले से बात हो रही है। बार बार इमरान खान अपने जलसों में बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ ने भी बात की थी। मैं जरा सेनेटर साहब की राय लेना चाहता हूँ ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। बैरिस्टर सेनेटर अली जफर साहब, आपने चकवाल वाली तकरीर भी सुनी, चकवाल में जो कुछ कहा गया वो भी आपने सुना। खान साहब कह रहे थे कि तुम होते कौन हो धमकियां देने वाले। मैं ये नहीं पूछता आपसे कि वो किसको कह रहे थे, बिल्कुल नहीं पूछूंगा। कुछ चीजें हैं जो मैं भी नहीं रेज करना चाह रहा, लेकिन मैं ये जानना जरूर चाह रहा हूं कि इतने सख्त रवैये क्यों हैं खान साहब के। देखें, इसके पीछे जो आई थिंक डिबेट चल रही है वो बहुत सारे लोग चूंकि इन्फॉर्म करते होंगे खान साहब को कि जी हमें यहां से प्रेशर आ रहा है या वहां से प्रेशर आ रहा है कोई इस तरह करने का या ऐसा ना करने का, तो वो उस सिलसिले में वो अपनी जो लोग हैं अपनी खुद जो इनफैक्ट कोर कमेटी की मीटिंग में भी उन अखबार में भी आया था, उन्होंने ये बड़ा जोर से कहा था, बड़ा एक तरह से बताया था कि अगर आपको कोई इस तरह की बात हो तो आप एक तो उसका उसी तरह जवाब दें जिस तरह की आपको थ्रेट्स अगर आती हैं। अब हो सकता है वो थ्रेट्स कहां से आ रही हैं कहां से नहीं आ रही, वो फेक थ्रेट्स भी हो सकती हैं जी। लेकिन लोग कुछ घबरा जाते हैं, तो अगर घबरा जाते हैं तो ये उसके रिएक्शन में खान साहब ने कहा था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसका अगर कोई थ्रेट करता है तो उसका थ्रेट के साथ ही जवाब दें। ये उसकी बैकग्राउंड ये थी मेरी नजर में उनकी स्टेटमेंट की। खान साहब इतने सेंसिटिव क्यों हैं किसी तैनाती के हवाले से? कि देखिए, वो उनकी जो थ्योरी है या फिलॉसफी है जो मैं समझा हूं इसके मामले में वो ये है कि चूंकि इस वक्त जो पार्लियामेंट भी एक तरह से आधा है ही नहीं क्योंकि सब रिजाइन कर चुके हैं, और उसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल डिवीजन हुई हुई है बहुत बड़ी। एक हुकूमत है वो बैठी है, लेकिन जो बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है वो इस वक्त इलेक्शन की बात कर रही है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए सबसे पहला सलूशन जो नजर आ रहा है कि इससे पहले कि कोई भी इम्पोर्टेंट या अहम अपॉइंटमेंट्स हों वो ये है कि इलेक्शन हो जाए ताकि जो भी नई हुकूमत आती है। सर आज देखे ना, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो इस्तीफे नामंजूर किए गए थे, हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया था, उसी जजमेंट को अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीआई वापस आए, अपना वो किरदार अदा करे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी क्वेश्चन कर रहे थे कि कितना खर्चा आता है इन इलेक्शन पे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ऐन फैसले के मुताबिक ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था 9 अप्रैल को, फिर ये हुकूमत वजूद में आई थी। आप आइन और कानून के माहिर हैं, आपके नजदीक वो सारा अमल और उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है क्या? देखें, हुकूमत की जो लेजिटिमेसी की बात सेकेंडरी है। पहला इशू ये है कि जहां तक वापस आने का सवाल है, जिसका सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने ऑब्जर्व किया, इस पे बहुत डिबेट हुई थी कि क्या हमें रिजाइन करना चाहिए या हमें वापस उधर ही रहना चाहिए। कहाँ डिबेट हुई थी सर? लेकिन कहाँ डिबेट हुई थी? पार्टी के अंदर। अच्छा, पीटीआई के अंदर बड़ी डिबेट हुई थी पीटीआई के। ठीक है, लेकिन फिर फैसला एक खत्मी हुआ था, और फैसला ये हुआ था कि हम चूंकि इलेक्शन चाहते हैं और इस सारे प्रॉब्लम्स जो हुए हैं इसका एक ही हल है, वो इलेक्शन है, इसलिए इस पार्लियामेंट में बैठने का कोई जवाब नहीं बनता। और इसके बाद फिर 4-5 बार ये इशू उठा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और भी बड़ी डिबेट हुई, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों ने आर्टिकल्स भी इसके ऊपर लिखे। तो ये डिबेट चलती रही, लेकिन फैसला फाइनल ही रहा, और अब मुझे नहीं लगता कि ये फैसला तब्दील हो सकता है। हालांकि अभी तक ये प्रोसेस चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी क्लैरिटी के साथ एक ही एजेंडा है इस वक्त पीटीआई का, और वो ये है कि हर सूरत में ये इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो ये जो इकोनॉमिक हालत हमारी हो रही है वो बदतर होती जाएगी, और उससे नुकसान अल्टीमेटली स्टेट को होगा। इसका सोल्यूशन, जिस तरह एक पहले भी मैंने कहा, सोल्यूशन पीटीआई की नजर में यही है कि लोग अपना फैसला करें कि किसको इलेक्ट करना है। तो मेरा जो बुनियादी सवाल आपसे था कि ये हुकूमत लेजिटिमेट है या नहीं है सर। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के नतीजे में सब प्रोसेस हुआ। जी देखिए, इसमें तो कोई अगर आप ये सवाल आपका ये है, मैं जरा दूसरी तरह सवाल पुट करता हूं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड हुकूमत है कि नहीं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड हुकूमत है, क्योंकि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत उन्होंने फिर अपनी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को सक्सेसफुल किया, जिसकी वजह से हम लोग चले गए और वो अब हुकूमत में है। तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड है, लेकिन क्या वो लेजिटिमेट है, क्या वो सर एक मिनट अगर बैरिस्टर साहब, मेरे समझने के लिए, मेरे नाजरीन के समझने के लिए आप फरमा रहे हैं कि ये हकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी आइनी हैसियत मुसल्लमा है। जिस हकूमत की आइनी हैसियत मुसल्लमा हो वो फिर की अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं कर सकती? जी देखें, अगर तो आप फिर कानूनी सवाल पूछ रहे हैं कि कर सकती है कि नहीं, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन क्या वो पॉलिटिकली करेक्ट होगा, कि क्या सियासी तौर पे आजकल के हालात में वो दुरुस्त होगा, वो सवाल दूसरा है। क्योंकि हर चीज कई बार आप कानून की नजर से नहीं देख सकते। कानून में तो बिल्कुल कर सकते हैं, वो हुकूमत है, वो जो मर्जी करें अब आइन और कानून के तहत, लेकिन सियासी तौर पे इस तरह के माहौल में दुरुस्त है कि नहीं, ये सवाल आप, ये डिबेट आप कर सकते हैं। इसी को देखते हुए और ये देखते हुए कि हुकूमत के साथ पास इस वक्त कोई आइडिया ही नहीं है कि हमने इकोनॉमी को किस तरह दुरुस्त करना है, उनकी जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, बाकी लोग भी जो मुमालिक हैं वो इसी तरह देखते हैं कि ये तो बड़ी कोई इंटरम अरेंजमेंट है और ये तो बड़ी एक अजीब सिचुएशन है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बस हुकूमत में बैठ गई हैं, मिनिस्ट्रियां संभाल रही हैं, लेकिन ना प्राइम मिनिस्टर की कोई सुनता है, ना एक दूसरे से वो बात करते हैं, और एक हुकूमत बराए नाम हुकूमत है। तो उस सिचुएशन में वो भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, वो भी कोई लॉन्ग टर्म डिबेट करके लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स करने को तैयार नहीं। तो ये इस तरह के माहौल में क्या आपको दुरुस्त लगता है कि सिचुएशन कंटिन्यू करती रहे इसी तरह, या आप ये सोचते हैं कि नहीं इसका हल होना चाहिए, अब इलेक्शन पे जाएं? ये पॉलिटिकल डिबेट है। यानी आपने एक तो वजाहत कर दी ना सर कि आइनी तौर पर यह हुकूमत लेजिटिमेट है और फैसले भी कर सकती है, लेकिन पॉलिटिकली आप फरमा रहे हैं कि इनके पास शायद पॉलिटिकली वो करेक्ट जो चीजें हैं वो नहीं हैं, जो मैं समझाऊं। मईशत डामाडोल हो रही है। अभी एक और भी बात चल रही थी, वक्त भी जा रहा है, पंजाब की हुकूमत और केपी की हुकूमत डिसॉल्व करने के हवाले से मशवरे हो रहे हैं, ये पार्टी में डिस्कशन हुई है, ये कैसे आप खत्म करेंगे इन हुकूमतों को? जी देखें, अगर तो साइमल्टेनियस यानी एक साथ नेशनल असेंबलीज जो हैं वो डिसॉल्व होती है, नेशनल असेंबली, और साथ ही केपी के और जो बाकी प्रोविंशियल हुकूमतें हैं पंजाब की वो भी हो जाती हैं, तो फिर तो आप एक नेशनल इलेक्शन जैसा जनरल इलेक्शन होता है। सर, असद कैसर साहब ने गुज़श्ता रात हमारे ही टीवी शो में बताया, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ हम सोच रहे हैं, हमारी पार्टी के अंदर डिस्कशन जारी है या डिस्कशन हुई है इस पे, अभी कोई फैसला उन्होंने भी कहा कि नहीं हुआ। मैं उस बैकग्राउंड में आपसे पूछ रहा हूँ सर। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, वही मैं बता रहा था कि अगर तो ये सारे इकट्ठे होता है फिर तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये अलग अलग नहीं होगा। अच्छा, ये नहीं होगा कि पंजाब चला जाए और केपी चला जाए और नेशनल रहे और सिर्फ प्रोविंशियल इलेक्शन हो। ये इस किस्म की कोई पॉलिटिकल मूव मुझे नहीं नजर आ रही, कम अज कम ना ये इस पे किसी किस्म का एग्रीमेंट हुआ है या कोई डिसीजन हुआ है इस पे। लेकिन तरीका बड़ा आसान है, आइन में लिखा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर चाहें तो वो लिख सकते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर को कि हमें ये डिसॉल्व करनी है। यानी आपने एक चीज क्लियर कर दी बैरिस्टर साहब कि अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व नहीं होती तो फिर पीटीआई, केपी और पंजाब हुकूमत को डिसॉल्व नहीं करेगी। जी मेरी नजर में यही पोजीशन है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सेनेटर सैयद अली जफर साहब, आपने वक्त दिया। जनाब चौधरी कमर जमान कायरा साहब, आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।